चंदौली में सईद राजा के मनराजपुर गांव में गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव की बेटी की पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। 1 मई को शाम 4 बजे के आसपास कन्हैया यादव के घर हुई पुलिस की दबिश के बाद कन्हैया की बड़ी बेटी की मौत का मामला सामने आया और परिवार ने आरोप लगाया कि सईद राजा थाना अध्यक्ष और उनकी पुलिस टीम की पिटाई से उनकी मौत हुई है। हालांकि इस मामले में परिवार की मांग मानते हुए एसपी अंकुर अग्रवाल ने सईद राजा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया। कन्हैया यादव की तहरीर पर कुल 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन ये मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश सचिव देवेंद्र सिंह मुन्ना और सरिता पटेल के नेतृत्व में मनराजपुर गांव कन्हैया यादव के घर पहुंचा, जहां पे कांग्रेसी नेताओं ने कन्हैया यादव उनकी पत्नी से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम को जाना। हालांकि इस दौरान कन्हैया यादव पूरे घटनाक्रम को सुनाते हुए बार बार रो रहे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में जब ये मामला आया, उन्होंने एक बाकायदा 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बना करके हम लोगों को यहाँ भेजा है और यहाँ की पूरी वस्तुस्थिति जो है, जो सच्चाई है, हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बात किया है पीड़िता के पिता से, उनकी माता से, उनके परिवार से, और एक रिपोर्ट बना करके जो है हम अभी पुलिस का पक्ष भी लेंगे, हम कप्तान से भी मिलेंगे। हमें निर्देश है जो है कि उस दोनों पक्ष की चीज़ें सही तरीके से आनी चाहिए, तभी हम लोग जो है कप्तान से भी मिलेंगे, पीड़िता से भी मिलेंगे और मिल करके जो है अपनी एक रिपोर्ट बना करके नेतृत्व को प्रेषित करेंगे। जी, हमसे कांग्रेसी के नेता सभी लोग मिलने आए थे जो यहाँ के पार्टी थे। देखिए, हमारा कहना है कि जब तक दोषी जिनके ऊपर ये मुकदमा धारा लगी है वो जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक मैं अनुग्रहण नहीं करूँगा। मैं बेटी की बेगम मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए, जो दोषी दरोगा पाया गया है पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, तभी मैं अनुग्रहण करूँगा, नहीं वरना अपना आत्महत्या करूँगा। यही मेरा विचार है और सरकार से भी मेरी उम्मीद है कि जो दोषी दरोगा उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मैं भूखे पूसे कल से बैठा हूँ, अपनी आत्महत्या करूँगा बिना अनुग्रहण के बैठे।